नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मुठिया, तो चलिए शुरू करते हैं। मुठिया बनाने के लिए हम लेंगे ज्वार का आटा 2 कप, गेहूं का आटा आधा कप, 1/4 कप चावल का आटा, 1/4 कप बेसन, 1 कप मेथी बारीक कटी, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा, लहसुन 10 से 12 कली, 1 टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 हरी मिर्च। इन तीनों को हमें मिक्सर जार में दरदरा पीस लेना है। 1 टेबल स्पून तिल, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 से 3 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, पानी आटा तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे ज्वार का आटा, अब डालेंगे हम चावल का आटा, बेसन, गेहूं का आटा और इसे हम मिला देंगे। अब हम डालेंगे अजवाइन, जीरा, तिल, सौंफ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, हींग। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। हमारे सारे मसाले आटे में अच्छे से मिल जाने चाहिए। हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है ये डालेंगे हम, और डालेंगे हरा धनिया, और डालेंगे हम हमारी मेथी कटी हुई। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हमने काला नमक डाल दिया है इसलिए हमें नमक थोड़ा ही डालना है। अब हम डालेंगे हमारा तेल और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आटे में हमारा सारा सामान अच्छे से मिक्स हो गया है और ये तेल का मून भी आप देख सकते हैं, तेल का मून भी अच्छे से आटे में लग गया है। अब हम इसे पानी की सहायता से एक टाइट डो बनाएंगे, हमें ज़्यादा गीला नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसे घूमते जाइए। आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस आटे को गलाया है। आपको पूड़ी के जैसे इसका थोड़ा सा टाइट ही आटा रखना है। अब हमारा आटा लग गया है। अब हम इस आटे को इस प्लेट से ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा आटा अच्छे से लगकर सेट हो गया है। अब हम इसके मुठिया बनाएंगे। तो मुठिया बनाने के लिए आपको इसे छोटा छोटा सा तोड़ना है पूड़ी के बराबर की लोई, और इसे हाथ से इसे मुठिया का शेप देना है। आप साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप छोटा खाना चाहते हैं तो आप इसे छोटे साइज़ के इस टाइप से बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे मुठिया बन गए हैं। 2 से 3 मुठिया और है, इसके भी हम इसी तरह बनाएंगे। हमारे सारे मुठिया बनकर तैयार है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में तेल गरम कर लिया है, अब हम मुठिये को फ्राई करेंगे। हम अब इसमें मुठिये को छोड़ेंगे तेल में, और आंच को हमें लो रखना है। तेज आंच में आपको मुठिये को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से हमारे मुठिये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपको इसे मंदी आंच में ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बीच बीच में आप इन्हें थोड़ा सा हिलाते रहिए और इन्हें पलटते जाइए, जिससे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी मुठियाँ फ्राई होने लगे हैं। बीच में 1 से 2 बार आधे मिनट के लिए आंच को मीडियम पर करना है, बट बाद में आपको लो पर ही इसे फ्राई करना है।
हमारे मेथी मोटी हैं लगभग फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस पे गोल्डन अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसे निकालेंगे और इसी प्रकार हमारे दूसरे मेथी मुठियाँ डालकर उसे भी फ्राई करेंगे। तो अब हम इन्हें पहले निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे मेथी मुठियाँ में कितना अच्छा सा कलर आया है। अब हम इसी प्रकार दूसरे मेथी मुठियाँ भी फ्राई करेंगे। तो हमने दूसरे मेथी मुठियाँ डाले हैं। लीजिए तैयार है मेथी मुठियाँ, इसे हमने कड़ी के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।